नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम मध्य प्रदेश का, तो रुक करते हैं एमपी की खबरों की ओर। छतरपुर में 25 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह खजुराहो के दौरे पर हैं, जहां कार्यक्रम को लेकर वन और राज्य पर्यावरण मंत्री दिलीप अरिहवार ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए अमित शाह के कार्यक्रम की जानकारी दी है और कहा है कि 25 फरवरी को दोपहर देश के गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2:25 पर खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उनके स्वागत खजुराहो मेला ग्राउंड में लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद 3:55 पर खजुराहो से प्रस्थान करेंगे। कल हमारे देश के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भाई साहब का आगमन खजुराहो में हो रहा है, जो हमारी बूथ समिति का सम्मेलन है, उस सम्मेलन में उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, सभी लोग हम लगे हुए हैं, पूरी तैयारी चल रही है, उनकी पूर्ण तैयारी हो गई है, बस उनके आगमन की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। इसमें कितने बूथ केंद्र के कार्यकर्ता शामिल होंगे? पूरे जो खजुराहो की संसदीय क्षेत्र है, 8 विधानसभा हैं, 8 विधानसभा के लगभग 20-35 हज़ार से भी ज़्यादा हमारे बूथ समिति के कार्यकर्ता रहेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह 29 फरवरी को छिंदवाड़ा आएंगे, जहां वो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी मैदान में चल रही सांसद क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। उनके साथ सांसद नकुल नाथ भी मौजूद रहेंगे, जहां वो दोनों विजेता टीम को पुरस्कृत भी करेंगे। तेंदुखेड़ा में किसानों की विभिन्न समस्याओं और एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र की सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उनका कहना है कि लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। धरना प्रदर्शन ज्ञापन सौंपने का जो कार्यक्रम रखा है, किस उद्देश्य को लेकर रखा है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के आदेश पर हर ब्लॉक स्तर पे कांग्रेस पार्टी ने जो किसानों की मसूर, चना, राहर में जो नुकसान हुआ है, पाला पड़ा है, इसका ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के लिए हम कांग्रेसी जनों ने साथ मिलकर जिले के नेपानगर में का व्यक्ति एरिक साइमन का सांपों से लगाव है और सांपों के साथ एरिक की दोस्ती भी गहरी है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति रहवासी क्षेत्रों से अब तक 25,609 सांपों को पकड़ चुका है और यदि कोई सांप घायल हो गया हो तो एरिक सांप को घर लाकर उसकी देखभाल कर साथ में इलाज करता है और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही एरिक सांपों को जंगल में छोड़ता है। दरअसल एरिक साइमन यह सब काम पैसे के लिए नहीं बल्कि सांपों की सेवा के लिए करता है। दमोह में हमारा संकल्प विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत फुटेरा वार्ड में नरसिंह मंदिर के पास लगाए गए शिविर में पूर्व मंत्री और दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया पहुंचे हैं। आपको बता दें, जहां उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया, वहीं विधायक ने कहा कि आमजन शिविर में आकर अपने समस्याओं के आवेदन देकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाएं और शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। दमोह में राज्य मंत्री लखन पटेल ने आयोजित शिविर में पहुंचकर सभी चिकित्सकों और मेडिकल टीम से चर्चा कर स्वास्थ्य परीक्षण का जायजा लिया है और राज्य मंत्री पटेल ने भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और कहा कि पथरिया में क्षेत्र और जिले के लोग यदि किसी भी प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं तो पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल के सभी डॉक्टरों की टीम और स्टाफ ने 24 और 25 फरवरी तक स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया गया है। यही पर निशुल्क सारी जांचें और इलाज किया जा रहा है। लोग हैं जिनको भी कोई किसी भी प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं तो पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल के सभी टीम ने, जो उनकी डॉक्टर्स की टीम है और बाकी सारा स्टाफ, आज यहां पर आज 2 दिन का 24 और 25 2 दिन के लिए परीक्षण कैंप लगाया है। यहीं पर हालांकि निःशुल्क सारी जाँचें हो रही हैं, एक्सरे हो रहे हैं, पैथोलॉजी की सारी जांच हो रही है और लोगों को अधिक से अधिक राहत मिले, इसके लिए यह कैंप लगाया कि जगह जगह ना भटकना पड़े।
और यहाँ पर जो मरीज चिन्हित होंगे जिनको कोई बड़ी बीमारी, इनका ऑपरेशन होना है या कुछ और उनको बड़ा ट्रीटमेंट होना है, तो वो उनको सब भोपाल आप लोग अपने साधन से ले जाएंगे और हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट रखकर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एमपी के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज सहडोल पहुंचकर अनूपपुर जिले के चैथरी वन परिक्षेत्र में ग्राम पंचायत गोबरी के घायल व्यक्ति से मुलाकात की, जिस पर अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चला दी, जिसके चलते व्यक्ति घायल हो गया और इलाज के लिए उसे अस्पताल भिजवाया गया। जहाँ व्यक्ति से मुलाकात कर मंत्री ने घायल व्यक्ति और उनके परिजनों को विश्वास दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने मौके पर उपस्थित डीन को निर्देश दिए कि गोली लगने से घायल व्यक्ति को बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। सौसर में प्रयास जिले की नई सोच संगठन ने ब्राह्मण पिपला में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और 53 यूनिट रक्तदान किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा अस्पताल से डॉक्टर की टीम शिविर में आई। साथ ही सौसर से बीएमओ शास्त्री साहब और बोरगांव से अस्पताल की टीम का सहयोग मुख्य रूप से रहा है। ऐसी संभावना जो है हम आगे भी करते रहेंगे, मतलब प्रयास करते रहेंगे। मैं प्रयास संस्थाओं को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का आयोजन आयोजित करके मानवता की सेवा करी है, मतलब ह्यूमैनिटी को उन्होंने मतलब उसके लिए बहुत अच्छा काम किया है। एमपी के शिवपुरी शहर के मरियर क्षेत्र में एसएनबी पब्लिक स्कूल में अवैध रूप से छात्रावास संचालित करने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायत सामने आने पर मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने अपनी टीम के साथ छापा मारा, लेकिन वहां बच्चे नहीं मिले। हालांकि यहां बच्चों का सामान जरूर मिला है। बताया जा रहा है कि छापे की खबर लीक हो गई थी, जिस कारण से स्कूल प्रबंधन ने पहले ही बच्चों को वहां से बाहर कर दिया था। जब टीम पहुंची, हॉस्टल में एक भी छात्र नहीं था। बाल आयोग की टीम को यहां पर 50 बच्चे रहने की सूचना मिली थी। बाल आयोग की टीम को यह सूचना थी कि मरियर में एसएनवी स्कूल पब्लिक स्कूल के ऊपर बिल्डिंग में अवैध तरीके से छात्रावास संचालित हो रहा है। इस सूचना के बाद ही बाल आयोग की टीम ने यहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ छापा मारने का प्लान बनाया था। रिपोर्ट लेंगे और जो भी अनधिकृत और अवैधानिक कार्रवाई होगी उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संचालित करेंगे। बदरवास में ही मदरसा मिला है इसी तरह का? कोई भी हो, चाहे बदरवास में हो चाहे शिवपुरी में हो, दोनों जगह हमारी रिपोर्ट टीम साथ में थी उनके, वो रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। सर एक चीज जानना चाहता हूँ केवल कि यहाँ पर जो इनका ऑफिस है वहाँ पर ये ना तो हॉस्टल का रिकॉर्ड बता पाए हैं ना स्कूल का रिकॉर्ड बता पाए हैं और यहाँ मिला भी नहीं है। क्या उस हॉस्टल का स्कूल का रिकॉर्ड ऑफिस में रखने की अनुमति नहीं है, कहीं और रखा जाता है क्या? जो भी स्थिति है उसमें हमारे ADPC और BRC साथ में थे, वो जो रिपोर्ट देंगे प्रतिवेदन देंगे उसमें उस पर उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आज का है और बच्चों को अचानक से भगा देना, ये तो अपने आप में ही संशय पैदा कर रहा है। अरे मैडम, उन्होंने जिस तरह सामान को छुपाया है, हॉस्टल को छुपाने की कोशिश की है, क्या ये आपराधिक श्रेणी में आता है? इस पर कोई आपराधिक कार्रवाई की जाएगी हॉस्टल संचालक के खिलाफ? देखिए, आपराधिक श्रेणी में ही आता है, ये तो बंधक बनाने जैसा है। अगर आप हमारे साथ आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है और अगर आप उसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हो उनकी, तो ये तो बंधक बनाने जैसा ही है। अगर बच्चे रह भी, कई छात्रावास संचालित हो रहे हैं और आप बच्चों से फीस भी ले रहे हैं, उसके बाद में आप अभी तक इन्होंने सूची नहीं दी, किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं दिया कि बच्चे कहाँ के थे, कौन थे, किस कक्षा में पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई। छात्रावास के रिकॉर्ड में मतलब दमोह के बटियागढ़ तहसील में मगरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत हटा मार्ग पर हिनौती गांव के मोड़ पर अचानक दो बाइक सवार की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें चार व्यक्ति घायल हो गए। वहीं उसी समय आ रही एम्बुलेंस ने घायलों को पटियागढ़ तहसील ले गई, जहां घायलों का इलाज जारी है। वहीं एक व्यक्ति गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। क्या घटना हो गई? मंगरौन से लौट रहे थे, बड़ौदा से लौट रहे थे, रास्ते में तो देखा कि ये लोग घायल हैं, तो हमने डाल भी खड़ी थी तो बोलने लगे कि आप ले जाओ, तो इसके बाद इवेंट आया, हमने फिर बिठाला के ले आए CSC पटियागढ़ में। कितने लोग घायल हुए?
चार लोग घायल हैं। कहाँ की घटना है ये? मंगरौन की थोड़ी सी आगे हनौती है, ग्राम हनौती। भिंड में पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने लहार विधानसभा की व्यवस्थाओं पर कई सवाल उठाए हैं। बीते छह दिन पहले लहार विधानसभा के बड़ोखरी में हुई युवती की हत्या का उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि छह दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। अगर जल्द ही हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तो वो जल्द ही थाने का घेराव करेंगे। लगभग 18 साल की अपवाद बच्ची के साथ गुंडों ने उनको उठा के ले गए। रात में उसके छोटा भाई था, उसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे। बीभत्स तरीके से उसको जबरदस्ती उससे गैंगरेप किया, जहां उसको काफ़ी छोटे शरीर में नजर आई, सिर में खून बहता दिखा, कई जगह घाव भी दिखे छोटे मोटे। इससे प्रतीत होता है कि अनुसूचित जात की जो बच्ची थी उसको बेरहमी से बीभत्स तरीके से उसके साथ अप्रकाशित कृत्य किया, रेप किया और उसको उसकी हत्या करके गांव के करीब एक कूप बनाता भूसे का उसमें जाके छुपा दिया। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक अजय राणा ने अपराधों के नियंत्रण के लिए संपत्ति संबंधी अपराधों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा शहर के रेलवे स्टेशन के पास से अज्ञात व्यक्तियों ने 2 बाइक चोरी की थी, जिसकी जाँच के दौरान दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। थाना कुंडीपुरा क्षेत्र से मोटर चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी, उसी के तारतम्य में हमने 2 चोरों को उठाया था, जिसमें एक है चेतराम मस्कोले पिता तेजराम, उम्र 30 साल, निवासी कुटिया का रहने वाला है। इससे पूछताछ करी तो इसने बताया कि उसने अपने साथी कन्हैया कसार पिता कालू राम, उम्र 45 साल, निवासी इसरा उमरिया का रहने वाला था। इन दोनों ने मिलकर एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर काले कलर की, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने हनुमान मंदिर के सामने से चुराई थी। मोटरसाइकिल बरामद करने के बाद इसके और पूछताछ करने पर इनसे एक स्कूटी लाल कलर की बरामद हुई है, जो इन्होंने गेट नंबर 2 रेलवे स्टेशन से चुराई की थी। दोनों ही मोटरसाइकिल इनसे बरामद कर ली गई है और इन्हें लिखा पढ़ी करके हम न्यायिक अभिरक्षा में पेश कर रहे हैं। शहडोल में दबंगों ने घर में घुसकर 2 पुरुष 2 महिलाओं के साथ खुलेआम मारपीट की। आपको बता दें कि पीड़ित अपने भाई भाभियों के सहित रिश्तेदारी जाने में घर से निकल रहे थे, तभी 2 युवक शराब के नशे में आकर खड़ी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके बाद पीड़ित के मना करने पर दबंगों ने मारपीट और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। करने लगे, करने के बाद भाई बोला कि नहीं भाई ऐसा ऐसा है तो ठीक है, तो दोनों शराबी आदमी मारने लगे, दोनों में लपटा लपटा हार हुआ। इसके बाद उस हम भी बाहर निकले, बाद देखे तो लड़ाई होता, हम समझौते में लगे रहे। समझौता होने के बाद भी 15-20 मिनट बाद 15-20 लोग आए और चाकू बंदूक गोली लेके मारना शुरू किए। मारने के बाद हमारे घर के अंदर भी घुसे, वहाँ लेडीज भी थे, उनको भी मारे, इतना मारे कि नरेंद्र को इतना मारे कि उनके कान के अंदर चाकू पेल के चोट आ गई। हमको भी 2 झापड़ मारे। मारने के बाद वो लोग भाग गए। भागने के बाद हमने उसको देखा, इतना लसपत बेहोश हो गया, हमारा छोटा भाई बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद हम उसको गाड़ी मंगवाए, गाड़ी में रख थाना ले गए, थाना के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराए। शहडोल में लग्जरी कार से गांजा तस्करी करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा सहित लग्जरी कार जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से अधिक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय के जो दिशा निर्देश में जो है रेगुलर रूप से जारी किया गया था कि जो अवैध नशा जो है, खास करके जो हमारे युवा वर्ग को जो है बर्बाद कर रहा है, उसके संदर्भ में रेगुलर रूप से कार्रवाई करें। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी बुढ़ार को सूचना प्राप्त हुई कि जो है कुछ जो है मुखबिर सूचना के आधार पर कि कुछ आरोपीगण जो है अपनी अर्टिका गाड़ी पर जो है अंदर की ओर ब्रीफकेस में जो है गांजा ले जा रहे हैं, तो इस सूचना की जब तस्दीक पर पुलिस टीम गई तो इनको अर्टिका गाड़ी में जो है 10 किलो
गांजा जो है मिला, जिसमें चार आरोपी गणों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। और साथ ही इनसे यह पूछताछ किया गया कि यह कहां से लेकर आ रहे हैं और किसको देने जा रहे थे। प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इसमें उड़ीसा से लेकर के आ रहे थे और लोकल में किसी स्थान पर देने जा रहे थे। इस संदर्भ में थाना प्रभारी को निर्देशित भी किया गया है कि रेगुलर रूप से इसमें उनसे पूछताछ कर जो है आगे की ओर इसमें चयनबद्ध रूप से जो है विवेचना करें। जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार करके जो है माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और प्रकरण को विधिवत रूप से विवेचना में लिया। एमपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, विकास प्रोडक्शन डॉट जी एफ एक्स।